गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको लास्ट क्लास में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा रहा था और मैंने बहुत सारी उसकी चीजें आपको बता दी है, राइट। आप मुझे बताओ अभी ये सब आपसे क्या है, बनेगा कि नहीं बनेगा। वेरिएबल नॉन वेरिएबल बन जाना चाहिए, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल बन जाना चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने आपको क्या किया है ये समझा दिया है, ठीक बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, देखो कंप्लेंट क्या होती है और कंप्लेंट क्या एसेंशियल क्या है। तो कंप्लेंट मतलब बेटा आरोप होता है। कोई भी आरोप जो आप ओरल या रिटर्न में मैजिस्ट्रेट के सामने लगाते हो ताकि मैजिस्ट्रेट एक्शन ले सके और उस पर्सन को अरेस्ट कर सके, बेसिकली जिसने कुछ गलत किया है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लेंट कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये ओरल या रिटर्न एलिगेशन है। एलिगेशन मतलब क्या, आरोप। इसमें यह बोला जा रहा है किसी जाने पहचाने व्यक्ति ने, किसी अनजाने व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है। ये जो कंप्लेंट है मैजिस्ट्रेट को की गई है और इसलिए की गई है ताकि मैजिस्ट्रेट एक्शन ले सके, ये कंप्लेंट है। तो सर जो पुलिस में एफआईआर कराते हैं वो बेटा वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। जब पुलिस उसमें चार्ज शीट बनाती है, देखो यहाँ पे वर्ड लिखते हैं अपन, चार्ज शीट बनाती है और ये चार्ज शीट जब कोर्ट में प्रेजेंट होती है तब कंप्लेंट मानी जाती है। अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तो आप डायरेक्ट जाके भी कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। ये कंप्लेंट का हो गया कंसेप्ट, ठीक है। क्लासेस ऑफ कोड मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। आपको सेशन कोड का मतलब अब पता है, आपको फर्स्ट क्लास कोड का मतलब पता है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का मतलब आपको पता है, तो मैं दोबारा इसको नहीं बताऊंगा। पिछला लेक्चर देख लो, सेकेंड क्लास का बता दिया था, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से करना है। कब कब ऐसे होता है जहाँ पुलिस वाले एक पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है सर वारंट वारंट वर्ड बार बार आ रहा है, एक बार ये तो समझा दो वारंट क्या होता है। तो मैं आपको दो चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से देखो और अच्छे से सुनो। एक वर्ड है यहाँ पे सम्मन, ठीक है, और दूसरा शब्द है वारंट। बेटा सम्मन जो है वो प्रेजेंस लेटर होता है, प्रेजेंस लेटर होता है। इसे अपीयरेंस लेटर भी कहते हैं, अपीयरेंस लेटर, ठीक है। हिंदी में बुलावा पत्र, बुलावा पत्र। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा पेशी, है ना। तो समन क्या होता है, बेसिकली कोर्ट का नोटिस है। अक्यूज्ड और विटनेस को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए। तो जैसे कोई केस वेस चलता है तो घर में समन आता है, गवाहों के अभी समन आता है कि आपको क्या है इस डेट पर कोर्ट में प्रेजेंट होना है। तो ये सम्मन क्या होता है, आपके घर के पते तक छुड़वाया जाता है, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ कोर्ट आपको बुला रहा है, आप दोषी वोशी नहीं हो, आपको सिर्फ प्रेजेंट होना है, ठीक है, याद रखना। वारंट एक अलग चीज है, वारंट ऑथराइजेशन लेटर है। ये ऑथराइजेशन लेटर कोर्ट इशू करता है बेटा, इशूड बाय कोर्ट ऑन पुलिस या कोर्ट ऑफिसर टू अरेस्ट ऑब्लिक सर्च। जैसे अरेस्ट वारंट मतलब किसी को अरेस्ट करने की पावर, सर्च मतलब किसी एरिया को सर्च करने की पावर। यह अरेस्ट या सर्च वारंट जो है कोर्ट की तरफ से पुलिस वालों को दिया जाता है कि हम तुमको ऑथराइज करते हैं कि तुम जाओ उस फलाना पर्सन को या तो अरेस्ट कर लो या उसकी तलाशी ले लो। तो समन और वारंट एकदम अलग चीज है, देख लो। समन मतलब सिर्फ अपीयरेंस के लिए बुलाना और वारंट मतलब ऑथराइजेशन है पुलिस को कि तुम जाओ किसी को अरेस्ट करो या हमारे सामने लेकर आओ। समन डायरेक्टली क्या किया जाता है, अक्यूज या गवाहों को दिया जाता है उनके नाम पर। और वारंट क्या है, ये पुलिस वालों के ऊपर बनाया जाता है कि तुमको हम ऑथराइज करते हैं कि जाओ किसी को अरेस्ट करो या किसी को सर्च करो, राइट। अब ये समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है अपना, कौन कौन से केसेस में पुलिस को कोर्ट से ऑथराइजेशन भी नहीं चाहिए, बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो इसको लेकर बेटा जो सेक्शन है वो सेक्शन 41 है। सेक्शन 41 क्या कहता है पता है, अगर किसी ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में मतलब बता दिया, उसकी अगर कंप्लेंट हो गई है तो पुलिस बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर देगी। या फिर किसी के पास हाउस ब्रेकिंग का इक्विपमेंट है, उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है। हाउस ब्रेकिंग इक्विपमेंट मतलब क्या, जैसे हैमर है, ठीक है, या फिर मान लो कुल्हाड़ी है, तो ऐसे पर्सन को कैसे छोड़ दिया जाए, पकड़ा ही जाएगा। या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जिसके खिलाफ नोटिफिकेशन निकल गया, इसको तुरंत पकड़ो। प्रोक्लेम्ड मतलब नामी, ऑफेंडर मतलब अपराधी।
या फिर कोई अगर डेजर्टर है आर्म फोर्सेस का, डेजर्टर मतलब भगोड़ा, आर्मी से भागा हुआ पर्सन है, आर्मी वाले खुद निकाले तो कोर्ट मार्शल, वहां से कोई कोई भाग गया तो ये क्या होता है, कई सीक्रेट्स भी रखे रहते हैं तो इनको पकड़ना जरूरी होता है। वैसे ही पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी के दौरान कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जैसे पुलिस वालों के साथ मैंने मारपीट कर दी तो मैंने ड्यूटी के दौरान उनको ऑब्स्ट्रक्शन किया, पुलिस वाले वैसे बहुत कूटेंगे मेरे को और बिना वारंट के अरेस्ट कर लेंगे। वैसे अगर मेरे पास किसी कोई चोरी की हुई प्रॉपर्टी है, पुलिस को इस पर शक है, या फिर एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने में रिक्वेस्ट रही है कि इस फलाना पर्सन को अरेस्ट किया जाए। देखो रिपीट करते हैं, कब कब पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर पा रही है, जब हमने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, मतलब गंभीर अपराध किया है, हमारे पास कोई हाउस ब्रेकिंग का इक्विपमेंट है जैसे हथौड़ा, और हमारा इंटेंशन सही नहीं है, हम नामी अपराधी हैं, आर्मी से भगोड़े हैं, पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी के दौरान हम ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, हमारे पास चोरी की हुई प्रॉपर्टी है, या हमारा रिक्वेस्ट की अरेस्ट दूसरे पुलिस ऑफिसर से आई है, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोर्ट की क्या क्या पावर, एकदम अच्छे से मैंने आपको क्या किया है समझा दिया, तो पिछला लेक्चर में तो सब बता दिया था, अच्छे से उसको क्या करना देख लेना। अब ये कुछ शॉर्ट नोट है, इसकी बात करते हैं अपन, समझो। क्या एक प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर सकता है? प्राइवेट पर्सन मतलब कौन? हम लोग, आम जनता किसी को अरेस्ट कर सकती है? तो अगर कोई हमारे सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, मतलब कोई गंभीर क्राइम कर रहा है, जैसे कोई किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है, मैं उसको ऐसा करने से जाके रोक देता हूं, तो इसको अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन बोलेंगे, मैं उसे तब तक रोक सकता हूं जब तक पुलिस वाले नहीं आते। वैसे ही दूसरी चीज, अगर कोई अपना सही नाम पता ना दे तो क्या पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर सकते? तो हाँ, अगर कोई अपना सही नाम पता नहीं दे रहा है तो पुलिस वाले को अगर शक होता है तो उसे कस्टडी में ले सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस पर्सन को पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, प्रेजेंट करना होगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, पुलिस वाले ने पूछा कौन है तू, मैं नाम पता था सही नहीं बता रहा हूँ, तो पुलिस पकड़ लेगी मेरे को और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर मेरे को प्रेजेंट किया जाएगा, मैं शायद कोई भी हो सकता हूँ, है ना। वैसे ही सवाल उठता है, मजिस्ट्रेट किसी को अरेस्ट कर सकता है क्या? दंडाधिकारी किसी को अरेस्ट कर सकता है? तो हाँ, उसके सामने, उसके प्रेजेंस में कोई गड़बड़ करता है तो वो ऑर्डर दे देगा कि इस पर्सन को पुलिस अपनी कस्टडी में ले ले। आपको ये समझ आ गया होगा। अब बारी आती है समन क्या है, समन के प्रोविजन क्या है। तो समन का मतलब मैंने आपको अभी बताया, समन मतलब डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट इशू करता है राइटिंग में, और कोर्ट का ऑफिसर उस पर साइन करता है, सील लगी होती है कि एक पर्सन को कोर्ट में अपियर होना। समन कौन सर्व करेगा? तो पुलिस वाले ले जाके सर्व करेंगे, या कोर्ट का कोई ऑफिसर सर्व करेगा, या कोई पब्लिक सर्वेंट सर्व करेगा हमारे पते पर, ठीक है। अगर कोई कंपनी है तो इसमें समन जो है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे सर्व किया जाएगा, और वहां के सेक्रेटरी के नाम पे या लोकल मैनेजर के नाम पे, प्रिंसिपल ऑफिसर के नाम पे सर्व किया जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, समन मतलब अपीयरेंस नोटिस है, कोर्ट इशू करता है, पुलिस वाले या कोर्ट का कोई ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट हम तक लेकर आते हैं, हमको हमारे घर के पते पर भेजा जाता है, दिया जाता है, और अगर कंपनी है तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर, ठीक है। ये समन का मतलब हो गया। वारंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक तरह का ये ऑथराइजेशन लेटर है जो पुलिस को दे दिया गया है कि आप जाओ किसी पर्सन को क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो, ठीक। जब वारंट बनाया जाता है तो ये राइटिंग में होना चाहिए, इसमें जिस अथॉरिटी ने, जिस जज ने वारंट बनाया है उसका नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, किसे अरेस्ट करना है उसका डिटेल होना चाहिए, किस ऑफेंस में करना है ये लिखा होना चाहिए, और ये सील्ड होना चाहिए, मतलब कोर्ट की सील लगी है, ये वारंट का हिसाब किताब है, ठीक है। अच्छा, सर्च वारंट क्या होता है? तो सर्च वारंट कोर्ट का वो ऑथराइजेशन लेटर है जो कोर्ट के किसी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है, अगर कोर्ट को यह लगता है कि सामने वाले के पास कोई डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट की नजर में आना चाहिए, या जहां जनरल इंस्पेक्शन भी नेसेसरी है वहां पर भी क्या किया जा सकता है, सर्च वारंट जो है वो इशू किया जा सकता है। उम्मीद है आपको सर्च वारंट समझ आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट का। अब ये थोड़ा सेपरेट कंसेप्ट है, इसको समझ लो क्या होता है प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट का कंसेप्ट। प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, ठीक है, ये दोनों शब्द ना वारंट से रिलेट करते हैं, याद रखना। अगर किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है तो उसे सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक बात है। अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो उसके लिए फाइनल वार्निंग निकल जाती है कि हमने, कोर्ट ने आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला था लेकिन आप अभी तक सरेंडर नहीं कर रहे हो, अनएग्जीक्यूट हो गया है ये,
तो हम आपके खिलाफ प्रोक्लेमेशन निकाल रहे हैं, मतलब वांटेड नोटिस निकाल रहे हैं कि अब आप भगोड़े हो। ठीक है, प्रोक्लेमेशन होता है जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, वो अरेस्ट नहीं हो रहा है तो फॉर्मल वार्निंग है उसके लिए कि अब तुमको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ठीक बात है। अब फिर भी वो नहीं आता है फाइनल वार्निंग के बाद भी, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करना चालू करते हैं, मतलब कोर्ट अक्यूज्ड की प्रॉपर्टी सील कर देता है एंड ऑक्शन करवाता है, निजामी करवा देता है। प्रॉपर्टी बिकेगी, नुकसान होगा तो आओगे ना, तो ये आपको याद रखना है, ये प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट का क्या है कंसेप्ट है। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है, ये प्रोक्लेमेशन या अटैचमेंट। ठीक, देन नेक्स्ट शॉर्ट नोट जो आता है बेटा वो आता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर का कंसेप्ट। क्या होता है, जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा भड़काऊ बयानबाजी करता हूँ या मैं कुछ गलत सलत बातें कहता हूँ, तो बेसिकली क्या किया जाता है, मुझे बोला जाता है कि समाज में बंदा डिस्टर्बेंस फैलाता है, तो अगर मुझे जमानत दी जाती है तो उसमें क्या है, मेरे से बॉन्ड भरवाया जाता है और पैसे रखवाए जाते हैं। बॉन्ड का जो मैक्सिमम पीरियड है 3 साल का होता है। इसमें मुझे इस शर्त पे छोड़ा जा रहा है कि 3 साल के समय तक मैं ऐसा अब फिर कोई हरकत नहीं करूंगा, करूंगा तो मुझे जेल भी हो सकती है और मेरा जो श्योरिटी का सिक्योरिटी का पैसा है वो जब्त भी करवाया जा सकता है। तो कब कब, जैसे कोई असॉल्ट कर रहा है, मारपीट कर रहा है, या क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहा है, मतलब क्राइम करने के लिए उकसा रहा है, या जिसे शांति भंग होती है, ऐसी चीजों में क्या होता है, पुलिस वाले या कोर्ट बोलता है इस बंदे को कहां बांध के रखेंगे। नेता लोग अक्सर इतनी भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो उनको क्या करता है, बॉन्ड भरवा देते हैं कोर्ट वाले कि हम तुमको जाने दे रहे हैं इस शर्त पर कि तुम आगे ऐसा हंगामा मत करना, एक सिक्योरिटी अमाउंट ले लेते हैं। ये है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पब्लिक ऑर्डर का कंसेप्ट। पब्लिक ऑर्डर का कंसेप्ट बेसिकली ये बोलता है कि अगर किसी जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर रैंक तक का है, उसे लगता है कि लोग हंगामा कर सकते हैं, तो बेसिकली ऐसी भीड़ को जो पुलिस वाला है या मैजिस्ट्रेट है वो डिस्पर्स कर सकते हैं, भगा सकते हैं। इससे क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। जैसे 6 लोग एक जगह पर खड़े हैं, अब पुलिस वालों को शक है कि यार ये करेगा हंगामा, तो पुलिस वाला उन्हें डिस्पर्स कर सकता है। ठीक बात है, ये मत भूल। अच्छा, वैसे पब्लिक न्यूसेंसेस को भी रोका जा सकता है, अगर वो पब्लिक न्यूसेंसेस मतलब हंगामा होता है, भीड़ का हंगामा। ठीक है, तो जैसे आप कोई पब्लिक प्लेस को भी मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, जैसे रोड रोक दे रहे हो, रोड जाम कर दे रहे हो, ठीक, आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसे बड़े लेवल पे लोगों को नुकसान होगा, आप पब्लिक प्लेस में तंबू अंबू गाड़ दिए हो, ठीक है, या फिर अगर कोई खतरनाक जानवर छोड़ दे रहे हो जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस माना जाता है। जैसे कई होटलों में रुके दिखा रहता है कुत्ते को लाना मना है, कारण क्या, डिस्टर्बेंस होता है ना, न्यूसेंस होता है, तो ये सब में भी रोका जा सकता है, याद रखना, एक्शन ली जा सकती है। ठीक, मुझे उम्मीद है तीनों जो चारों शॉर्ट नोट हैं आपको क्या है समझ आ गए, नहीं आए होंगे तो फिर समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें मुझे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, कब ऐसी सिचुएशन होगी जब मैजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस का मतलब बेटा यहाँ हिंदी में संज्ञान लेना है, संज्ञान मतलब नोटिस लेना कि वो बोलेगा कि केस चलाया जाए, तो जब उसे कंप्लेंट रिसीव होगी या मैजिस्ट्रेट के पुलिस रिपोर्ट आएगी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और से इंफॉर्मेशन रिसीव होगी जो जेन्युइन है, या ऑफेंस अगर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट हुआ है या हुआ है मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, बोलेगा इस ऑफेंस की नोटिंग की जाए, कॉग्निजेंस दिया जाए और इस पर केस चलाया जाए, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया, छोटे छोटे कंसेप्ट है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा आता है समरी ट्रायल का। हर वो केस जिसमें सजा 2 साल तक, कितने साल तक की है, 2 साल तक की है, उसमें समरी ट्रायल होता है, मतलब केस का फटाफट निपटारा होता है। कौन से ऐसे मैटर है, जैसे ऑफेंसेस जिनमें सजा कितने साल से कम की है, 2 साल की, या कोई चोरी की गई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 2000 रुपए तक की है, आपने कोई चोरी की गई प्रॉपर्टी रिसीव करी है जिसकी वैल्यू 2000 तक है, आपने चोरी करने मदद करी है वैल्यू 2000 रुपए तक है, आपने हंगामा किया है, या कोई ऑफेंस में आप भागीदार हो या आपने साथ दिया है, तो आपके केस का फटाफट निपटारा होगा, इसको समरी ट्रायल कहेंगे। तो ये बात याद रखना, लिमिटेशन पीरियड क्या है, कब समरी ट्रायल के केसेस चालू हो जाने चाहिए, तो अगर केस ऐसा है जिसमें सिर्फ फाइन लगाया जा सकता है तो 6 महीने में वो केस चालू हो जाना चाहिए।
अगर सजा उस केस में 1 साल से कम की है तो 1 साल के लिमिटेशन पीरियड उसमें केस चालू करो, और सजा अगर 1 से 3 साल की है तो 3 साल के अंदर अंदर केस चालू कर दो। ये आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने, यहां पर जाकर आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो चैप्टर है वो खत्म हो गया।